यह एक सामान्य सी बात है कि लोग कहते हैं कि न्यायालय में वक्त बहुत बर्बाद होता है, अगर आप किसी मुकदमे में फंस गए तो उसका निस्तारण कब तक होगा, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता और बहुत लंबा समय लगता है। कभी कभी तो कुछ मुद्दों में, कुछ मामलों के निस्तारण में तो दशकों लग गए, और यही देखते हुए कि इस तरह के निस्तारण में समय क्यों लगता है, न्यायालयों में इतने केस क्यों लंबित होते हैं, और इन चिंताओं को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जो कि सराहनीय है, जिसका स्वागत होना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिवक्ताओं के लगातार हड़ताल पर जाने के कारण या किसी धरने पर जाने के कारण जो व्यवधान आता है उससे न्याय में विलंब होता है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक कड़ा कदम उठाया है कि ऐसे किसी भी प्रकार की हड़ताल को अब आपराधिक अवमानना का अवमानना मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप जानते हैं अच्छे से कि पूरे भारत के जो न्यायालय हैं निचले स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक कितने मामले वहाँ पेंडिंग हैं और उनके निस्तारण में कितना समय लगता है। सिर्फ अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें जहाँ के आंकड़े हमारे पास हैं, तो आप समझिए कि वहाँ पर सिर्फ 10 लाख से अधिक वहाँ पर केस पेंडिंग हैं और लगातार नए केस वहाँ पर केसों का अंबार भी लगता जा रहा है। तो ये मुकदमे कब इनका निस्तारण होगा यह कहना बड़ा कठिन है, और जो आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 तक जो कि वहाँ के 218 कार्य दिवस होते हैं न्यायालय के, उसमें 127 दिन अधिवक्ता हड़ताल पर रहे, और इससे आप समझ सकते हैं कि 91 डेज सिर्फ वे कार्य दिवस पर उपस्थित रहे। तो ऐसे में जब न्यायालय अपने तरीके से काम नहीं कर पाती, न्यायालय बैठती नहीं है, तब वादियों प्रतिवादियों का जो आना होता है या उनका वहां पहुंचना होता है उन्हें बहुत ही नुकसान होता है, मुकदमे में विलंब के कारण उनका पीछे भी बहुत नुकसान होता है। तो इस नुकसान को देखते हुए, लंबित मामलों की के अंबार को देखते हुए कोर्ट ने उसके कारणों पर जो विचार किया उसमें एक कारण सही कार्य दिवस पर और उचित कार्य दिवस पर न्यायालयों का न बैठना और तारीख पे तारीख मिलना भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस पे उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसको, इस तरीके की हड़ताल को आपराधिक अवमानना का केस मानते हुए इन्हें कार्रवाई के दायरे में रखा है। और इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि ज्यादातर होता क्या है, किसी अधिवक्ता तो बहुत से होते हैं, तो अधिवक्ताओं के अगर किसी प्रकार का अधिवक्ता के निधन का मामला सामने आता है तो शोक सभाएं होती हैं, तो इस शोक सभा के लिए भी अदालत ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि इसका भी समय 3:30 के बाद आप रखिए, और इसके बाद आप, ताकि किसी भी प्रकार से कोर्ट के कार्य में व्यवधान ना हो, क्योंकि कोर्ट ने कहा है क्योंकि न्याय मिलना समय पर बहुत जरूरी है और न्यायिक व्यवस्था का अंग होने के नाते अधिवक्ताओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वह इस व्यवस्था का अंग है। विधिक व्यवसाय एक गरिमापूर्ण व्यवसाय है जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, इसलिए किसी भी प्रकार का अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो यह न्यायालय के कर्तव्य से वंचित या विरत होने की बात होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह कदम उठाया जो बहुत सराहनीय है और इसका स्वागत होना चाहिए। तो यह कुछ अपडेट थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित, जो कि उनका यह आदेश आया है कि हड़ताल को आपराधिक, कि अगर अधिवक्ता हड़ताल पर जाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई होगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर हमारे पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।